आरक्षण समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वाल्मीकि समाज है उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका, जो आज वो मजबूर हैं, उनको एक एक लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं, और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज, पांचवी चीज ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको, हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको दो दो साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले दो साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिल जाए। ये चार पांच मुद्दे हैं। तमाम मांगे तो सर हमने आपसे सुन ली हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इससे भारत बंद से क्या फायदा होगा? भारत सोते जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब, जानबूझ के जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं, उनको ये बताने के लिए कि जो तो तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो, ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है, आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। ये साफ साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट्स, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाएं, हम नहीं चाहते। सर इसका क्या लगता है, इसका क्या मकसद होगा कि एससी एसटी ओबीसी अब बट जाएंगे आने वाले दिनों में? अगर मर गए बांटने वाले, हमें, हम लोग पागल हैं, मर गए बांटने वाले, जो लोगों को कुछ समय के लिए, हमारे कुछ लोगों को जो बहकाया गया है ना, वो कब पता लग जाएगा? अभी एक महीने में पता लग जाएगा, दो महीने में लग जाएगा, तीन महीने में लग जाएगा, उन्हें छह महीने में लग जाएगा ना। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो पुरानी नौकरियां थी वो भी छिन गई, उतनी परसेंटेज भी नहीं, तो तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा ज्यादा जिम्मेदारी है, हम उनके उनके लिए लड़ेंगे भी और उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे, वो हमारे भाई। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि ये तो क्रीमी लेयर जैसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो प्रधानमंत्री अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं तो ये भी तो क्रीमी लेयर ही है। ये जजमेंट तो सारी क्रीमी लेयर की बात है ना, कि समाज का एक होमोजीनियस जो जजमेंट है, एक होमोजीनियस समाज है, उसमें से कुछ लोगों को आप बता रहे हो कि वो तो आगे निकल गए और बाकी पीछे निकल गए, और क्या क्रीमी लेयर होता है? प्रधानमंत्री जी सबको धोखा दे सकते हैं, अंबेडकर वादियों को नहीं दे सकते। क्रीमी लेयर है तो ये सब कैटेगराइजेशन भी क्रीमी लेयर ही तो है, और क्या? लेकिन इससे क्या लगता है प्रधानमंत्री झूठे हैं? प्रधानमंत्री झूठे हैं? नहीं, वो तो है ही झूठे। नहीं, झूठे तो हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आपने, मैंने सही सुना है या गलत, पहले ये बताइए, आपने झूठे बोला था? झुक गए हैं। अच्छा, झूठा आदमी झुक भी जाता है कई बार, हर बार जो झूठा आदमी होता है ऐसा नहीं कि तना ही रहेगा। अब झूठे आदमियों के झुकने का टाइम आ गया है, तो प्रधानमंत्री अगर झूठे हैं तो ज्यादा जल्दी झुकेंगे, और अगर सच्चे होने का उनको कोई एक तरह से कोई उनके अंदर एबरेशन आएगी जो आज तक कभी नहीं आई सच बोलने की, तो तब भी झुकना पड़ेगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, टीवी चैनल अगर आप उनके किसी भी ईमानदार चैनल पे चढ़ेगी, ये टेस्ट है, टेस्ट है। जो हमारी खबर नहीं चला रहा, जो आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त है, जो लोग चोर बेईमान डकैत और क्रिमिनल्स हैं, उन चैनल्स में नहीं चलेगा। और आखिरी खबर जिस अखबार में आएगी वो भी चोर बेईमान और क्रिमिनल है, जिसके ऊपर ये सबसे बड़ी खबर नहीं आती हमारी, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो भारत के दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है, और कोई टेस्ट चाहिए? ये तो आप पीछे देखिए, एक मिनट पीछे देखिए, पीछे देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ जब ये हालत है तो पूरे देश का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे बड़ा सफल आंदोलन 2018 में 2 अप्रैल को ही हुआ था, सीएएनआरसी का जो आंदोलन था ना,
वो भी मुझे लगता है इस आंदोलन के आगे छोटा पड़ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप ये तो बताइए इसके, ये मुझे लगता है शायद जजेस को अरेस्ट करने तो नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। ये तो इनसे पूछो आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे, हम तो पीसफुल लोग हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी को अरेस्ट करने आया, ये तो इनसे पूछो आप, हमें क्या पता। अगर हम संविधान की रक्षा करते हुए अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि हम भी भगत सिंह के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। आगे क्या करेंगे आप? आंदोलन आंदोलन और आंदोलन।